महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक बुधवार को आखिरकार लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया। इस विधेयक के पक्ष में 454 और विरोध में मात्र 2 वोट पड़े। राज्यसभा में गुरुवार को विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद यह कानून बन जाएगा। बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे। राहुल गांधी ने कहा, ओबीसी आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह आरक्षण सामान्य एससी और एसटी में समान रूप से लागू होगा। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिटिटेशन होगा और महिलाएं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी। विरोध करने से रिजर्वेशन जल्दी नहीं आएगा। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा, महिला आरक्षण बिल युग बदलने वाला विधेयक है। गुरुवार का दिन भारतीय संसद के इतिहास में यह विधेयक सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। राज्यसभा में भी विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित हो जाएगी। सिंपल थिंग आई डिड, आई सेड लुक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पीपल हु डिफाइन हाउ दिस कंट्री इज गवर्न्ड। ऑफ कोर्स लोकसभा एंड विधानसभा, बट बियॉन्ड दैट दे आर द 90 सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 90 पीपल सेक्रेटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कोर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आई आस्क माई सेल्फ द क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द 90 पीपल कम फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं, मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 330 में है और इसी तरह से विधानसभाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 332 में है। ये दोनों रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और जनजाति को लागू होती है, दोनों को लागू होती है। माननीयवर, अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए, ओबीसी क्यों नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। मैं सारों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं, दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है। माननीय, ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों, मैं अब इस पर आता हूं। माननीय, अभी जो संविधान संशोधन आया है इसमें आर्टिकल 330 ए और आर्टिकल 332 ए इसके माध्यम से वुमन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।
इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।